हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का उपमा, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। अगर ये सही तरीका से बनाओ तो ये खिला खिला सा बन के तैयार हो जाता है। शायद सूजी का उपमा खाना सभी को पसंद रहता है, तो चलिए आज इसे बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले उपमा बनाने के लिए पैन को बैठा के हम इसमें 2 चम्मच बराबर घी को ऐड करेंगे। घी हमने मिला दिया है पैन का अंदर में, और इस तरह से हम फैला लेंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे और गैस का फ्लेम को हम लो कर देंगे। उसके बाद लेंगे हम 1 कटोरी सूजी। सूजी चाहे आप मोटी या पतली कोई भी टाइप का सूजी आप उपमा बनाने के लिए ले सकते हो। और गैस का फ्लेम इसलिए लो रखना है ताकि हमारा सूजी को हमें ब्राउन नहीं करना है, और अच्छे से पकाना भी है, और इस तरह से हमारा घी भी सूजी के अंदर में अच्छे से कोट होके मिल जाता है। इस तरह से 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा हमें इसे रोस्ट करने के लिए। तो कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए हम सूजी को भूनते ही रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो। तो इस तरह से हम इसे रोस्ट करेंगे। कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए इसे हमें रोस्ट करना है, और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। इसलिए ध्यान में रहे कि गैस का फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में इसे हमें भूनना है। तो हमारा सूजी भून के रेडी हो चुका है। अब उसी पैन में दोबारा से हमें घी को मिला देना है, फिर से 2 चम्मच, और दोबारा से घी को हमें फैला लेना है और अच्छे से गर्म कर लेना है। अब हम अपना मनपसंद का नट्स इसमें ऐड करने वाले हैं। अगर आपके पास मूंगफली हो तो आप मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास मूंगफली अवेलेबल नहीं है, तो हमने कुछ इसमें 8 से 10 दाने बादाम पीसेस लिया है। इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट क्रंची क्रंची आए। इस तरह से हमें इसे फ्राई करके निकाल लेना है। साथ ही साथ हम इसमें चने दाल को भी रोस्ट करेंगे इस तरह से, ताकि ये क्रंचीपन इसका रहे। इस तरह से हमें इसको फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास उड़द दाल हो तो आप उसको भी भून के ले सकते हो। हमारा पास उड़द दाल नहीं है, तो हम सिर्फ चना का दाल ले रहे हैं। इसे भी ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल देना है। अब ये बची हुई घी का अंदर में हम 1/2 टीस्पून बराबर मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास काला सरसों है तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो पीला होगा तो ये भी ले सकते हो। जैसे सरसों चटकने लगे इसके अंदर में हम मिलाएंगे चॉप्ड ऑनियन 1/2 पीसेस मैंने लिया है। यहाँ पे ग्रेटेड अदरक लेंगे, 2 पीस हरी मिर्ची लेंगे, और भर भर के आपका मनपसंद का जो भी वेजिटेबल होगा, ग्रीन वेजिटेबल, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने बीन्स, गाजर और आलू लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे कड़ी पत्ता भी मिला देना है। कड़ी पत्ता इसलिए बाद में ऐड करेंगे ताकि ये पहले ऐड करने से जल जाएगा, इसलिए। तो साथ ही साथ इसी का साथ में ये कुक हो जाएगा, और सारा सब्जी को हमें इस तरह से सोते करते हुए फ्राई करना है। और याद रहे, सारा सब्जी को हमें पूरा कुक नहीं करना है, क्रंची होने तक इसको 0.5% हमें इसे कुक कर लेना है इस तरह से। जैसे ये 0.5% कुक हो जाए तो स्वाद के हिसाब से इसके अंदर मिलाएंगे नमक, और इसमें हल्दी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये ऑप्शनल नहीं है। चाहे तो आप हल्दी भी ऐड कर सकते हो। तो नमक ऐड करने के बाद दोबारा से इस तरह से मिक्सअप करके हम थोड़ा देर और भुनेंगे इस तरह से। कम से कम ये 50% या 60% कुक हो जाए इस तरह से हमें भुनने के बाद में। अब हम इसके अंदर में मिलाएंगे पानी। पानी हम गरम लेंगे, और पानी हम उसी कटोरी से हम मेजर करेंगे जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था। 1 कटोरी सूजी में हमने 3 कटोरी पानी मिला लेना है इस तरह से। और सारा सब्जी को मिक्सअप करते हुए उबाल आने का वेट करेंगे। कुछ सेकंड के बाद में इसमें उबाल आना चालू होगा। उससे पहला ही हम 1/2 टीस्पून बराबर शुगर और 1/2 पीसेस लेमन जूस भी ऐड करेंगे। शुगर से हमारा खट्टा मीठा बैलेंस बने रहेगा, इसलिए तो इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है जब हमारा खट्टा मीठा बैलेंस होता है, इसलिए हम शुगर मिलाएंगे। और जैसे उबल आने लगे पानी में, तो हम इस तरह से भुना हुआ सूजी को मिलाते जाएंगे और कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। हम चलाना एकदम बंद नहीं करेंगे ताकि इसके अंदर में लम्स या गुठलियाँ पड़ सकती है, इसलिए कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में हम इस तरह से मिलाते ही रहेंगे सूजी को पानी में, जब तक ये मिक्सअप ना हो। कुछ कुछ लम्स हो जाए तो भी हम इसको मैश करके मिला लेंगे। इस तरह से ड्राई होने लगा है कुछ सेकेंड या कुछ मिनट में ही, तो इस तरह से फटाफट पानी सूजी को एब्जॉर्ब कर लेता है इस तरह से।
ऑलरेडी हमारा सूजी कुक हो चुका है, पानी भी बॉयल होके हमने इसमें मिलाया है, तो ये तो कुक हो तो चुका है ऑलरेडी। तो इसको अब हम बारी आई इसको स्टीम होने देंगे ताकि ये और कुछ मिनट ड्राई हो जाए और बाकी का वेजिटेबल भी अच्छे से कुक हो जाए। इसलिए हम इसको कवर करेंगे 6 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में। 6 से 7 मिनट वेट करने के बाद हम ढक्कन को निकाल देंगे इस तरह से। तो हमारा सूजी खिला खिला बन के तैयार है, दाना दाना एक एक दाना खिला खिला है और सारा सब्जी भी अच्छे से कुक हो चुका है बहुत अच्छे से, तो देख रहे हो। और ये जितना ठंडा होगा ना, ये उतना ही इसका दाना और खिलके आएगा, खुशबू भी ज़बरदस्त है। और ऊपर से इस तरह से हम घी मिला देंगे, अलग से घी इस तरह से ऐड करने से इसका खुशबू और दुगना हो जाएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और जो हमने बादाम और चना दाल को फ्राई करके रखा था, इसको ऊपर से मिलाना है ताकि इसका जो क्रंचीपन है बरकरार रहे। इसलिए इस तरह से दाल और बादाम मिलाने के बाद में इस तरह से मिक्सअप कर देंगे और हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो गर्मा गर्म सूजी का उपमा बनके तैयार है। सॉफ्ट करने के लिए इसको कोई भी नारियल का चटनी का साथ या टोमेटो केचप का साथ आप सॉफ्ट कर सकते हो, चाहे तो आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो। ये ऐसे ही बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसमें सब कुछ भर भर के पड़ा हुआ है, मसाला और हरी सब्जी, खट्टी मीठी तीखी सभी फ्लेवर आपको एक साथ मिलेंगी। और ये आप सुबह का ब्रेकफास्ट में इजीली इस तरह से इंजॉय कर सकते हो। तो बनके तैयार है, होप कि आपने इस रेसिपी को इंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए ऑल में जाके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स।